तो देखो जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है उनसे 35 या 36 रुपए कर देता है 35 या 36 रुपए कर देता है जब आदमी का मूड ज्यादा ओवर मूड खराब था तो मार देंगे 35 या 36 टुकड़े भी कर देता है आदमी। अरे सीधे चाकू लो बजाय चले जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है कहती हाँ आज मेरे की लड़े मैं काट दूंगा कहती। सुना आपने जिस घटना से देश भर में भारी गुस्सा है, जो घटना लोगों में सिरहन पैदा करती है, जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी कांप गया, उस श्रद्धा की निर्मम हत्या को, उसकी लाश के 35 टुकड़े की घटना को कैसे ये सरफिराज जायज ठहरा रहा है। इतना ही नहीं सरफिराज ये भी कह रहा है कि अगर गुस्सा आ जाए तो 35 या 36 टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो देखो जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है 35 या 36 भी कर देता है। नहीं 30 सेकंड के इस वीडियो में सरफिराज चाकू चलाने का तरीका भी बता रहा है। सीधे चाकू लो बजाय चले जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है कहती हाँ आज मेरे की लड़े मैं काट दूंगा कहती। वीडियो में दिखने वाला शख्स नाम राशिद खान बता रहा है, जबकि वो खुद को यूपी के बुलंदशहर का निवासी बता रहा है। बताया जा रहा है कि खुद को राशिद बताने वाले इस शख्स ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिल्ली में किसी यूट्यूबर से बात करते हुए दिया था, मगर राशिद मियां भूल गए थे कि उनका ताल्लुक जिस जनपद से है वो यूपी में है, और यूपी में बाबा की पुलिस ऐसी हिंसक सोच रखने वाले या हिंसा फैलाने वालों का तसल्ली बख्श इलाज करती है। शायद यही कारण है कि जैसे ही सरफिरे का वीडियो सामने आया, वैसे ही बुलंदशहर पुलिस ने राशिद की तलाश शुरू कर दी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है और प्राथमिक जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह वीडियो दिल्ली में बनाया गया था। इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बुलंदशहर का बता रहा है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये सरफिराज श्रद्धा वाकर की जघन्य हत्या को सही ठहराते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राशिद को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब कोई गुस्से में होता है तो वो किसी को 35 की बजाय 36 टुकड़ों में काट सकता है। ये पूछे जाने पर भी कि क्या वो हत्या को सही ठहरा रहे हैं, राशिद कहते हैं कि ऐसा होता है, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं भी इसी तरह का व्यवहार कर सकता हूँ। एसएसपी बुलंदशहर ने कहा कि वीडियो दिल्ली में बनाया गया है, लेकिन क्योंकि शख्स बुलंदशहर का रहने का दावा कर रहा है, इसलिए पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं, जैसे ही हमें ये व्यक्ति मिल जाएगा उचित कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।